दरभंगा यातायात डीएसपी धनतेरस दिवाली को देखते हुए अपने यातायात थाना के सभी अधिकारी के साथ एक अहम बैठक किया। इस बैठक में दिया गया कई दिशा निर्देश, वही बताया गया कि धनतेरस दीपावली को देखते हुए आज की बैठक की जा रही है। इस बैठक में यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन कुमार, प्रमोद टुनटुन पासवान, रविकांत कुमार, कृष्ण नंदन यादव एवं विनोद कुमार, कई पदाधिकारी मौजूद थे। राजपा अधिकारियों की बैठक इस पर्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि कल धनतेरस है, सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधित्व स्थान पर निष्ठापूर्वक 10:30-11 बजे तक ड्यूटी करें। खासकर जिनकी ड्यूटी मुख्य रोड में है, जैसे लोहिया चौक और उसे लोहिया चौक और दारू भट्टी के बीच में, यह चूँकि रोड काफ़ी व्यस्त रहता है, सोना चांदी की दुकान है, तो कल निश्चित रूप से भीड़ भाड़ रहेगा। इसमें दो पदाधिकारी की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति ट्रैफिक की तरफ से की गई है, साथ ही 2-3 बल को अतिरिक्त लगाया गया है ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। साथ ही 4 बजे के बाद कोई भी टेम्पो या कमर्शियल व्हीकल का परिचालन लोहिया चौक से दारू भट्टे की ओर नहीं होगा। वर्षा गाड़ी टावर की ओर और टावर से पुनः गीता की ओर जाए, क्योंकि धनतेरस को लेकर बीच बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, क्रय विक्रय करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। सर, दरभंगा से जो जान लगे सर जाने वाली गाड़ी का क्या रूट रहेगा? दरभंगा से जो जाएगी लहरियासराय गाड़ी, टेम्पो हुआ या कोई फोर व्हीलर हुआ, उसका क्या रूट रहेगा? दरभंगा से जिनको लहरियासराय जाना है उनके लिए रूट वही है जो पहले था, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया धनतेरस को लेकर के भी। लेकिन जो लोहिया चौक से नाका 6 की ओर जाती है उसमें परिवर्तन किया गया है कि उस रूट में कोई भी 3-व्हीलर या कमर्शियल गाड़ी उस रूट से नहीं जाएगी, वह नाका 6 या 5 की ओर नहीं जाएगी, वो टावर और बेता चौक होते हुए निकलेगी। सर, बस को देखा जाए, स्टेशन होते हुए मिर्जापुर या मिर्जापुर होते हुए बस आती है, उसको क्या करेंगे? कल धनतेरस से इसको लेकर 2 बजे के बाद कोई भी बस गुनार से नाका 5 मिर्जापुर की ओर नहीं जाए, उसको रोकने के लिए हराही पोखर पर प्राधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई। हाँ, वैसी बस जिसको बेनीपुर जाना है गुनार से पूरब की ओर, वैसे बस का परिचालन होगा। थैंक यू।